तो गाइज़ तो बहुत ज़्यादा बड़ी यहाँ पर अपडेट्स निकल के आ रही है टेरा लूना क्लासिक की तरफ से। एंड गाइज़ ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, हर वीडियो से थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा ये वीडियो। और इस वीडियो के अंदर को काफ़ी नई चीज़ें भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ टेरा क्लासिक के बारे में। एंड सबसे पहले टेरा क्लासिक के प्राइस की अगर हम बात करते हैं तो आज यहाँ पर हमने टेरा क्लासिक में वापस से थोड़ा सा ग्रेन यहाँ पर देखा है टेरा क्लासिक के अंदर, और 0.3x 02878 का प्राइस चल रहा है, 0.64% इंक्रीज हुआ है। सबसे पहली जो बड़ी न्यूज़ आई है वो आई है ई टोरो एक्सचेंज की तरफ से। जी हाँ गाइस, ई टोरो एक्सचेंज ने अनाउंस कर दिया है 1.2% का बर्न टैक्स। बट गाइस यहाँ पर थोड़ा सा अलग हुआ है। अब गाइस बर्न तो टैक्स तो काफ़ी सारे एक्सचेंज ने अवेलेबल कराए, जैसे कि बाइनेंस की भी बात करें, कुकॉइन की बात करें, बट यहाँ पर जो ई टोरो एक्सचेंज है उसने यहाँ पर कुछ नया किया है। उसने ये सारी चीज़ें ऑफ चैन पे रखी है, ट्रेडिंग पे रखी है, आप लोग देख सकते हो। ई टोरो सपोर्ट टेरा लूना क्लासिक लूनासी 1.2% बर्न लुक्स सैक टू इम्प्लीमेंट बर्न ऑन ट्रेडिंग। अब गाइस ये ट्रेडिंग के ऊपर रखा गया है, कोई भी इसको बाई सेल करेगा तो वहाँ पर ये 1.2% का बर्न टैक्स लगने वाला है, जो कि एक काफ़ी बड़ी एंड काफ़ी अच्छी अपडेट मुझे यहाँ पर लगी। और गाइस ई टोरो बेस्ड इन इज़राइल इज़ नॉन एज ए ग्लोबल मल्टी एसेट इन्वेस्टमेंट एक्सचेंज दैट प्रोवाइड ट्रेडिंग फैसिलिटी इन स्टॉक्स फॉरेक्स क्रिप्टो ईटीसी। और ये इज़राइल का एक बहुत बड़ा एक्सचेंज है जहाँ पर आप लोगों को फॉरेक्स भी, क्रिप्टो भी, स्टॉक्स भी, ईटीसी, मतलब काफ़ी सारी नई चीज़ें भी आप लोग यहाँ पे बाई कर सकते हो। तो काफ़ी ज़्यादा एक बड़ी न्यूज़ यहाँ पर ये निकल के आई है ई टोरो एक्सचेंज की तरफ से, जैसे कि आप लोग इसमें भी देख सकते हो ट्वीट के अंदर भी। फिलहाल यहाँ पर crypto.com ने भी 1.2% का बर्न टैक्स प्लान सपोर्ट किया है, बट ये ऑफ चैन में नहीं है, ये ऑन चैन है। और ऑन चैन आज से यहाँ पर ज़्यादातर एक्सचेंज ने सपोर्ट कर लिया है, बाइनेंस ने भी कर लिया है। एंड अभी यहाँ पर ई टोरो की तरफ से अगर हम देखें टेरा लूना क्लासिक लूनासी 1.2% टैक्स बर्न गोज लाइव, आज लाइव कर दिया गया है, तो ये काफ़ी अच्छी अपडेट है। एंड गाइस इसके अलावा और भी कोई अपडेट्स आएगी तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगा। फिलहाल के टाइम पे ई टोरो की तरफ से ये काफ़ी बड़ी अपडेट्स थी। एंड इसके बाद यहाँ पर लूनासी में हमें एक बड़ा पंप भी आने की उम्मीद है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोग जाओ और इसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दो। हमेशा याद रखना है कि लूनासी में आप लोग को एक छोटा सा अमाउंट ही इन्वेस्ट करना है, ताकि आप लोगों का छोटा सा अमाउंट अगर लूज़ भी हो जाए तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड गाइस फिलहाल के टाइम पे बहुत बड़ा अमाउंट्स आप लोगों को टेरा लूना क्लासिक के अंदर नहीं लगाने, क्योंकि इसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा है। कुछ भी अगर यहाँ पर इशू होता है तो आप लोगों का बहुत ज़्यादा पैसा लॉस भी हो सकता है, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पैसा इसमें लॉस हुआ है, $45 बिलियन यहाँ पे कॉलैप्स ऑलरेडी हो चुके हैं। तो थोड़ा सा सोच समझकर इसके अंदर अभी ट्रेड लेना आप लोगों के लिए सेफ रहेगा। आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। एंड मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए विश यू ऑल।